अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा को एक और झटका लग चुका है। दरअसल फिल्म अनीता नर्रे नाम की एक लड़की पर बनी है और अब अनीता ने फिल्म पर केस करने की ठान ली है। दरअसल कुछ दिन पहले भूमि पेडनेकर और फिल्म के श्री नारायण सिंह अनीता से मिले। दोनों ने मिलकर अनीता को एक एग्रीमेंट की कॉपी पकड़ाई जिसके मुताबिक उन्होंने अनीता 5 लाख रुपए दिए। अनीता ने साइन करने के लिए थोड़ा समय मांगा। अक्षय कुमार एस टॉयलेट एक प्रेम कथा कॉन्ट्रोवर्सी रियल लीड डिमांड्स कॉम्पेंसेशन। इसके बाद मध्य प्रदेश की रहने वाली अनीता ने सीधी डिमांड रखी कि वो साइन तभी करेगी जब फिल्म की कमाई का एक हिस्सा उन्हें मिलेगा। अनीता ने जो किया वो एक साहसिक कदम था और अगर इस पर पूरी फिल्म बन सकती है तो वो 5 लाख से ज्यादा डिजर्व करती हैं। वहीं फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि जब हमने फिल्म बनानी शुरू की हमें पता भी नहीं था कि अनीता नाम की कोई लड़की है। हमें फिल्म बनाते समय पता चला कि ऐसा वाकई हो चुका है, इसलिए हमने अनीता को उसका हक देने की सोची। इससे ज्यादा हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। गौरतलब है कि इससे पहले अक्षय कुमार की फिल्म पर 2 लोग चोरी का आरोप लगा चुके हैं। जानिए सारी डिटेल्स यहाँ और यहाँ भी। वहीं हमने आपको दिखाया कि इस फिल्म का एक एक सीन अक्षय की फिल्म में कॉपी किया गया है। अब देखना है कि अक्षय इस मुसीबत से कैसे निकलते हैं। बहरहाल इन सब बातों से फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने फिल्म से ये उम्मीदें लगा ली हैं।